जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान दे होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं HPSC HCS एडमिट कार्ड 2024 के बारे में, जो कि आपका ऑफिशियली जारी कर दिया है। जी हां, आपने सही सुना, आपका एडमिट कार्ड आ चुका है। ये एडमिट कार्ड आपको कैसे डाउनलोड करना है, ये प्रोसेस तो आपको बता ही जाएगा। साथ ही अगर आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो आप मेरे द्वारा भी इसको डाउनलोड करा सकते हैं। उसके लिए आपको कैसे कहाँ पर जानकारी सेंड करनी है ये आपको इस वीडियो के लास्ट में बताया जाएगा। पहले आप ये जान लीजिए कि कैसे आपको खुद से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। अभी जो आप यहां पर वीडियो में देख सकते हैं, हमारी ऑफिशियल साइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे आपके सामने इस फॉर्म की जानकारी आएगी, जहां पर जानने को मिलेगा कि 121 पोस्ट पर वैकेंसी आई थी, जिसके फॉर्म आपने 21 दिसंबर 2023 तक भरे थे। ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में आप इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और आपको यहां पर दो डाउनलोड लिंक दिए हैं। पहले वाला आप यहां पर लिंक ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, और सेकंड वाला लिंक ओपन करेंगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। पहले वाले लिंक के माध्यम से आप यहां पर आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालेंगे, ये कैप्चा कोड डालेंगे एंड देन सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आपको यहां पर प्रॉब्लम आ रही है लॉग इन होने में कैप्चा, क्योंकि मैंने जब ट्राई किया तो मेरे सामने आया कि कैप्चा गलत है, बट मेरा कैप्चा सही था। तो अगर आपके सामने यहां पर पहले वाले लिंक में इशू आ रहा है लॉग इन करने में, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में, तो आपको यहां पर सेकंड लिंक का इस्तेमाल करना है। इसका इस्तेमाल करने पर आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अब आपको यहां पर आपकी राशन आईडी डालनी है, जो कि जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म का आपने प्रिंट लिया होगा उसमें आपको राशन आईडी देखने को मिलेगी। वो राशन आईडी आप यहां पर डालिएगा, जो डेट ऑफ बर्थ आपने फॉर्म के अंदर भरी थी वो डेट ऑफ बर्थ आप यहां पर सेलेक्ट कीजिएगा एंड देन उसके बाद में आपको यहां पर मंथ सेलेक्ट करना है और फिर आपकी इस तरह से DOB आ जाएगी। फिर ये कैप्चा कोड डालिए एंड देन डाउनलोड के ऊपर क्लिक कीजिए। जैसे आप डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल या PC के अंदर आपकी एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की फाइल या कह लीजिए कि PDF वो डाउनलोड हो जाएगी। एंड जैसे ही वो डाउनलोड होगी तो आपके सामने इस तरह से आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। ये आपका रियल एडमिट कार्ड है, जो कि आप वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि आपका रोल नंबर क्या है, DOB क्या है, सेंटर कोड क्या है, सेंटर नेम क्या है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं डेट ऑफ एग्जाम 11 फरवरी 2024 है, जनरल स्टडीज पेपर फर्स्ट CSET पेपर 2, इसकी जो टाइमिंग रखी गई है वो आप देख सकते हैं 10 से 12 और 3 से 5। फिर आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि आपको यहाँ पर क्या एग्जाम सेंटर पर लेकर के जाना है। आपको ये बोला कि आपको यहाँ पर एक दिन पहले ही आपके एग्जाम सेंटर पर विजिट कर लेना है, ताकि आपको पता चल सके कि एग्जाम सेंटर कहाँ पर है, कहाँ पर आपकी सीट है, तो ये चीज आपको कंफर्म कर लेनी है। इसके अलावा बात करें कि आपको एग्जाम सेंटर पर क्या लेकर के जाना है उसकी, तो आपको एडमिट कार्ड लेकर के जाना होगा, कलर में आप इसको प्रिंट करा लीजिएगा। साथ ही एक आईडी आप लेकर के जाइए, जिसमें कि आप आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, इनमें से किसी आईडी का इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये आईडी आपकी ओरिजिनल में होनी चाहिए। इसके अलावा गाइज आप यहां पर ब्लू ब्लैक बॉल पॉइंट पेन भी लेकर के जा सकते हैं। एंड इसके अलावा जो आपके बाकी के इंस्ट्रक्शंस है ये भी आप पढ़ लीजिएगा। इसमें जो चीज़ें आपको ले जाने की अनुमति है वो आप लेकर के जाइए, जिन चीज़ों के लिए आपको मना किया है वो आपको नहीं करना है। तो इस तरह से गाइज आप लोग इस एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर पाएंगे। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। कोई सवाल, कोई डाउट रह गया हो आपका तो वो कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। और अब बात करते हैं कि अगर आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पा रहे और आप मेरे द्वारा डाउनलोड कराना चाहते तो आप क्या करेंगे। तो जो लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है ये वाला, ये आप ओपन करेंगे और यहाँ पर लास्ट में आएंगे। कमेंट में कोई जानकारी मत देना, क्योंकि यहां पर दी हुई जानकारी पब्लिक हो जाती है इस तरह से, और मैं नहीं चाहता कि आपकी जानकारी पब्लिक हो। इसलिए आप यहां पर लास्ट में आकर के कॉन्टैक्ट अस के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर आपका नाम देंगे, आपकी ईमेल आईडी देंगे, आपका फोन नंबर जो कि व्हाट्सएप का होना चाहिए, क्योंकि यहीं पर आपको एडमिट कार्ड का PDF सेंड किया जाएगा। मैसेज के अंदर आप यहां पर आपकी राशन जो आईडी है राशन की वो देंगे, आपकी DOB देंगे, और साथ ही साथ गाइज आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो आपको देना है एंड देन आपको लिखना है HCS एडमिट कार्ड 2024। गाइज जितना इंपॉर्टेंट राशन आईडी, डेट ऑफ बर्थ और आपका मोबाइल नंबर है, उतना ही इंपॉर्टेंट यहां पर HCS एडमिट कार्ड 2024 लिखना है, क्योंकि उसी से मुझे पता चलता है कि किस चीज की जानकारी और मुझे इसका क्या करना है। एंड फिर आप सबमिट कर दीजिएगा, उसके बाद ये जानकारी मेरे पास आएगी और मेरे से जितनों का हो पाएगा वो एडमिट कार्ड डाउनलोड करके आपको दिया जाएगा। एंड उसके लिए आपसे कोई भी किसी भी तरह का चार्ज नहीं लिया जाएगा। सो गाइज ऑल द बेस्ट सभी कैंडिडेट को। और एग्जाम सेंटर आपका कहां पर गया है वो आप कमेंट के माध्यम से बता दीजिए, ताकि आप आपस में बातचीत करके एक साथ में एग्जाम सेंटर पर पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।